नमस्कार अपराह्न प्राइम को आपन को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस परे रसायन विज्ञान पई घोषणा हला नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को मिलिबो मिलित भाबरे एही सम्मान असिमेट्रिक ऑर्गेनेटिकलिस नुआ गवेषणा पई मिलिबो पुरस्कार भुवनेश्वर को फेरिला कंटेनमेंट जोन राजेंद्र बिहार अपार्टमेंट वार्ड नंबर 52 फॉरेस्ट पार्क अंचल एकाधिक कोरोना रोगी चिन्हट परे बीएमसी पक्षर पदक्षेप कंटेनमेंट अंचल को बाहर लोकों प्रवेश उपरे लागिला रोक समस्त अत्यावश्यक सामग्री जोगाइबो बीएमसी मयूरभंज जिला गोपबंधु नगर ब्लॉक नुआगांव रे व्यापुची डायरिया झाड़ा बांती रे गांव रो जनकर मृत्यु 25 रो अधिक आक्रांत गांव रे पहुंची स्वास्थ्य सेवा जोगाइला मेडिकल टीम मध्यप्रदेश रो स्वामित्व योजना हिताधिकारी आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी वीसी माध्यम रे हिताधिकारी को बांटिले ई प्रॉपर्टी कार्ड कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चांदीपुर डीआरडीओ तथ्य लीक पाई हनी ट्रैप मामला मिलला चारि अभियुक्तों का सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स फेसबुक अकाउंट रो इस्लामाबाद रावलपिंडी लिंक जर्मनी यूएस भारत रो प्रॉक्सी आईपी अकाउंट व्यवहार करथले युवती रेलमंत्री को केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चिट्ठी पूरी हाथिया तपस्विनी एक्सप्रेस को एलएचबी कोच रे परिणत करबा को अनुरोध ट्रेन रे रेढ़ाखोल गस्त समय जनता को सह करथिला आलोचना कथा रखे अश्विनी वैष्णव को करिछते अनुरोध अक्टोबर ओडिशा को आसी पारे आउ एक बात्या 14 रे लघुचाप सृष्टि 17 रे छुई पारे उपकूल बात्या नहीं बेसरकारी पाणीपाग संस्था पक्षर आशंका भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर मिली नहीं स्पष्ट सूचना संपूर्ण खबर को आसीबा रसायन विज्ञान पई घोषणा हला नोबेल पुरस्कार दुई रसायन विज्ञानी को मिलित भाव में मिलिबो नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को मिलित भाव में मिलिबो ही सम्मान असिमेट्रिक ऑर्गेनोकार्टिलेसिस रो उभयक ना ए पुरस्कार पई घोषणा करा जाय छि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम पक्षर दुहिंकर ना घोषणा करा जाय छि बेंजामिन लिस्ट अछंती एथिरे रसायन विज्ञान पई घोषणा होई छि नोबेल रसायन विज्ञान रे नोबेल रे डेविड मैकमिलन एवं बेंजामिन लिस्ट को ना सामना को आसुचि असिमेट्रिक ऑर्गेनोकार्टिलेसिस रे माने अचीवमेंट रे ए आधार रे मानकु एभळि पुरस्कार रे सम्मानित करा जाउ छि जहां निश्चित भाव रे एक खुशी खबर फेसबुक आईडी रो पाकिस्तान लीक चांदीपुर डीआरडीओ तथ्य लीक पई हनी ट्रैप मामला मिलला चारि अभियुक्तों का फेसबुक अकाउंट डिटेल्स तीनोटी फेसबुक अकाउंट रो इस्लामाबाद रो गोटिए रावलपिंडी रो ऑपरेट होतला समस्त आईपी अकाउंट इस्लामाबाद रावलपिंडी रो व्यवहार करा जाउतला जर्मनी यूएस भारत रो प्रॉक्सी आईपी अकाउंट व्यवहार करुथिले रहस्यमय महिला जनक क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडांक गुरुत्वपूर्ण सूचना महिलांक फोटो मध्य मिली पारिछि बालेश्वर किछि लोकंक चैटिंग सामना को आसी सेमानकर सहित डीआरडीओ लिंक रही एक क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा हमारे चांदीपुर जो मामला रही जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आई चार फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान रो ऑपरेट होवार तदंत जना पड़ी से तीन टा अकाउंट इस्लामाबाद और गोटे अकाउंट रावलपिंडी रु ऑपरेट एवं विभिन्न समय से माने पाकिस्तान रो आईपी यूज करते कि क्षेत्र में से माने इंडिया यूएस एवं जर्मनी रो प्रॉक्सी आईपी यूज कर टेक्निकल डाटा मध्य आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंसर्न एजेंसी तांको ठो आम टेक्निकल डाटा होरी मागी छी सर जो प्रॉक्सी आईपी का कहो जे डी ब्रदर्स दाऊद इब्राहिम रो लिंक आसुति कि सर ने बे हमें किसी स्पेकुलेशन करिबा नै जतले आसीबो हमें शेयर करिबो सर प्रॉक्सी आईपी व्यवहार करिया पे
किसी से संस्था अच्छा सहयोग करे पैसा से बाबद कहूँ प्रक्सी आईपी व्यवहार कर भुवनेश्वर को फेरिला कंटेनमेंट वार्ड नंबर 52 रो फॉरेस्ट पार्क अंचल राजेन्द्र बिहार अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषणा करिछि बीएमसी। वार्ड नंबर 52 फॉरेस्ट पार्क अंचल एकाधिक कोरोना रोगी चिन्हट से अंचल को बाहर लोकों प्रवेश उपरे रोक लागिछि। से अंचल में समस्त अत्यावश्यक सामग्री जोगाइब बीएमसी। संपुक्त अंचल समस्त सरकारी बेसरकारी संस्था बंद करा निर्देश दिया जाइछि। वार्ड नंबर 52 रे एकाधिक कोरोना रोगी चिन्हट परे एभली एक निष्पत्ति नियाजाइछि से अंचल को बाहर लोकों प्रवेश कटकणा बा बाहर लोकों प्रवेश निषेध बोली आपण कहिपारिबे। फॉरेस्ट पार्क अंचल रे कंटेनमेंट जोन भुवनेश्वर पुणी थरे फेरी कंटेनमेंट जोन राजेन्द्र बिहार अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषणा कर वार्ड नंबर 52 रे एकाधिक कोरोना रोगी चिन्ह पर एभली एक निष्पत्ति नहीं प्रशासन। मयूरभंज जिला गोपबंधु नगर ब्लॉक नुआ गाँव में व्यापी डायरिया झाड़ा बांति गाँवर जनकर मृत्यु होता बेले 25 रु अधिक लोक आक्रांत होता सूचना रही। चिकित्सा उदला और बारीपदा मेडिकल भर्ती कर मेडिकल टीम गाँव में पहुंची आक्रांत परिवार औषध बंटन करण गाँव में डायरिया व्यापुच्छ तार कारण अस्पष्ट रही बेले डाक्तरी दल यार कारण खोजुच। ग्रामवासी व्यवहार करुवा नलकूप पा नमूना संग्रह कर दूषित जल पी झाड़ा बांति व्यापुवा अनुमान कर पिलांग पा छुआ बड़ समस्त को अलसुआ नागुच देगी तपर तो बहलिया दी थर होपर पा रोग पूरा पा जे रखम पा ओआरएस पा सेमतिया होआरएस पा आणिकी देला बेलू मानूनी हॉस्पिटल को 108 आसिक सब नहीं जाऊँगी देशरे गरीब भूमिहीन लोकों जीवन रे खुशी आनी देछि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। दलित शोषित को जमीर मालिकाना बा स्वामित्व प्रदान करिछि ए महत्वाकांक्षी योजना। योजनार प्रथम चरण रे देशर जो केतक राज्य रे लागू करा जायतिला सेठारे बे 22 लाख लोकंकर प्रॉपर्टी कार्ड प्रस्तुत करा सरिछि। एबे देशर अन्य राज्य गुडी करे योजना लागू पई व्यवस्था मध्य करा जाउछि। पायलट प्रकल्प रे मिलेथबा सफलता एबे अन्य राज्य पई मध्य उपयोगी साब्यस्त होई परबो। मध्य प्रदेश रो पीएम स्वामित्व हिताधिकारी को सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे कथा हेबा बेले या प्रकाश करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो माने कल्याणकारी योजना लागू पई काम करिसेंति जो हिताधिकारी हो पारिछंती अवसर रे सेमानुकु धन्यवाद जनाइथिले प्रधानमंत्री। कहा जाए भारत आत्मा गाँव में ही रही मात्र स्वाधीनता परे गाँव में अनेक जमी व्यवहार न हो पड़ रहा एथिपाई अनेक विवाद सम्मुखीन होगा पड़ता एवं केन्द्र सरकार का स्वामित्व एवं अन्य योजना द्वारा से सब समस्या दूर कर प्रधानमंत्री कहते। स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास जो भरोसा गांव में आया है वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन उनका जो उत्साह है उमंग है उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है उनका कितना भला होता होगा इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही
कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। बॉलीवुड ड्रग पार्टी मामला गिरफ अभियुक्तों भितर ओडिशार दुई गिरफ दुईज मनीष उदयराज डायरा एवं अभिन दीनानाथ साहू उभयों घर राउरकेलार बोली जमापड़ दुई ओडिया आज आउ चार जन को गिरफ कला एनसीबी मनीष दुई दशमिक चार ग्राम गंजे जबत कर एने एनसीबी पक्षर कोर्ट को सूचना दि जाए। पूर्व मामलें एनसीबी शाहरुखर पुअ आर्यन खान को गिरफ कर सोमवार क्रूज्रे आउ थे चढ़ाऊ कर आउ तीन जन को गिरफ कर मिसाई वर्तमान पर्यंत मोट 11 जन को गिरफ करा जायतबा सूचना मिलछि। कटक जेल पड़िया रे धला जहर खेल दरगा बाजार पुलिस कला ड्रग्स कारबार पर्दाफाश जबत हो 268 ग्राम ब्राउन सुगर ए कारबार करथबा तीन अभियुक्त को गिरफ कर पुलिस 268 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कर जार आनुमानिक मूल्य प्राय 26 लक्ष टंका हेबो। अभियुक्त ठारु नगद 1,28,000 टंका चारि फोन गोटे मोबाइल ता सहित गोटे बाइक एवं स्कूटी मध्य जबत कर समस्त अभियुक्त कटक जिलार होता सूचना। वर्तमान सुधा कटक सहरांचल पुलिस 4 केजी 646 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कर 30 जन गिरफ होती। दरगा बाजार पुलिस सिटी जाके रेड कला परे सेठु से पोजिशन रु 268 ग्राम ब्राउन सुगर दरगा बाजार पुलिस को रिकवर होती मूल्य हूँ 26 लाख पखापाखि। ये केस रे बापी संगरे विवेकानंद जेना और गोपीनाथ पात्रा जे माने कि कटक जिलार वासी अछंती से दुई जन मध्य अरेस्ट होती। तालदंडा केनाल रे बड़ अघटन घटे जाइछि खेल होइछि काल नजर पकेबा खबर उपर किंतु समय छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत आपण देखुचंती अपराह्न प्राइम। खेल हैला काल तालदंडा केनाल रे घटी जाइछि एक बड़ अघटन पारादीप तालदंडा केनाल रे बुड़ी दुई शिशुंकर मृत्यु होइछि। 18 बांकी तालदंडा केनाल रे घटी जाइछि अघटन खेलुथवा समय रे केनाल रे उभय खसी पड़िथिले। दुई मृत शिशुंकर बयस पाखापाखि 4 वर्ष बयस होइथबा कहा जाउछि। लगातार भाबरे एभळी घटना घटुछि जोठि कोठे गाधोइबा पाई जाय पिला भासी जाउछंती तापरे मृत्युर खबर सामना को आसुची तो आउ कोठे खेल काल होइछि। तालदंडा केनाल रे घटी जायथिबा ए अघटन स्थानीय अंचल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि जोठि केनाल रे बुड़ी दुई जन शिशुंकर मृत्यु होइछि एवं ए शिशुमानक बयस पाखापाखि 4 वर्ष हेबो बोली कहा जाउछि। केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का चिट्ठी राजधानी एक्सप्रेस भली पुरी हाथिया तपस्विनी एक्सप्रेस को एलएचबी कोच रे परिणत करने अनुरोध करी सुरक्षा सुविधा और कल्याण को गुरुत्व दे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने अनुरोध करी धर्मेन्द्र। भुवनेश्वर रेढ़ाखोल यात्रा करबा बेले एहा यात्रींकर दीर्घ दिन दाबी रही निकटरे भले अत्याधुनिक सुविधा सह भुवनेश्वर जगदलपुर स्वतंत्र हीराखंड एक्सप्रेस रो शुभारंभ करा जाइछि जेउठी अधिक यात्री बसिबा क्षमता कम शब्द सह उच्च क्षमता संपन्न कूलिंग सुविधा भले आनुषंगिक अत्याधुनिक व्यवस्था यात्री करि परिबे। केन्द्रमंत्री चिठी में उल्लेख करिसेंति जे निकटरे ओडिशा गस्तर से भुवनेश्वर रेढ़ाखोल पर्यंत पुरी हाटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस रे यात्रा करथिले। ए समय रे अनेक सहयात्री सह आलोचना करथिले। ए आलोचना समय रे ट्रेन रे एलएचबी कोच आरंभ करबा पई साधारण जनता केन्द्रमंत्री को अनुरोध करथिले। गांधी जयंती रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्रेन जुगे संबलपुर रेढ़ाखोल गस्त करी सेठारे से संत कवि भीम भोई को प्रतिमूर्ति रे श्रद्धांजलि देथिले एवं परे अनुगुल बामुर गस्त करी गांधी पद यात्रा रे शामिल होइथिले। ऊनविंश शताब्दी में स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को रचित लोकप्रिय महाकाव्य तपस्विनी नारे ए ट्रेन को नामित करा जाइथला।
सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में मागणा नुहे रक्त परीक्षा रिपोर्ट पाई 20 टंका 4 घंटा अपेक्षा कर नचे सांगे सांगे चाहिए देवाक 20 टंका विषम कटक ब्लक झिगिड़ी गाँव बासंती माया निजर पिलार देह खराब थिबारु विषम कटक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्तर देखाइबा सह रक्त परीक्षा कले हेले परे रिपोर्ट पाई विलंब हेबारु महिला जनक पचारि बुझिथिले किंतु हॉस्पिटल कर्मचारी जनक सांगे सांगे रिपोर्ट देवाक मागिले 20 टंका ए घटना को नै स्वास्थ्य केन्द्र को आसीथिबा रोगी मानक भितरे अशांति सृष्टि होई छि गंजाम पुरुषोत्तमपुर ब्लक चिंगुड़ी खाई गाँव में गतमास 20 घटीथिबा एक हत्याकांडर अभियुक्त को धरिबारे सफल होई पुलिस मुख्य अभियुक्त विक्रम साहू को गिरफ्त करिबारे सफल पुलिस गत सेप्टेम्बर 20 तारीख मध्यरात्रि रे गाँव विनायक प्रधान को हत्या करा जायतिला आज मुख्य अभियुक्त विक्रम साहू को गिरफ्त करा जायछि परे कोर्ट चालन करिछि पुलिस आपण माने जानिसथि गोटे बड़ केस होता आम चिंगुड़ी खाई पुरुषोत्तमपुर थाना एरिया गत 19/9/21 तारीख ए विनायक प्रधान बोली जन लोक सोइथिया अवस्था रे तांको गाँव विक्रम साहूजी पूर्व शत्रुता को लेकर गोटे पत्थर तार मुंड पर छिचिदार सी मरी जाते विक्रम साहू को आमर आई आई सी पुरुषोत्तमपुर बहुत कष्ट धरी आगे आज गिरफ्त हो आज कोर्ट को आम फरवर्ड करा केस बर्तमान तदनाधीन रही बालेश्वर बलंग नदी पर निर्मित पोलर जगुआली विद्याधर दास को मरणातक आक्रमण घटना अभियोगर 12 दिन पर भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना पुलिस बीजेडी चापरे परिचालित थाना अधिकारी तदंत चली अभियुक्त को घंट घोड़ा अभियोग आरबार लोक पुलिस दलय फीतिर कार्य को विरोध करजेपी कर्मी मैंने सहदेव खुंट आदर्श थाना घेराव कर फुलाड़ी निकट में बलंग नदी पर निर्मित होता पोल कंटाबणिया गाँव में विद्याधर दास जड़े जगुआली भाव काम करती गत 25 तारीख रे ड्यूटी करथवा समय रे निर्माणधीन पोल उपरे 4 जन युवक मद्यपान करथिले जाकु विरोध करथिले एवं सेमाने विद्याधर को मरणांतक आक्रमण मध्य करथिले घटना को नै विद्याधर को परिवार पक्ष थाना रे अभियोग होइथिबा परे मध्य कार्यानुष्ठान नियागला नै ड्यूटी करिया समय रे कि ताकु जाईके अटैक करचोंती हाणी चोंती तेलंगा कोटुल रे ड्यूटी करिया समय रे तांकु जाईके कहले जे एठी कोन पई बसचो तमे कहले आम तो ये मो स्वामी पचाले कहले एठी मो ड्यूटी पडिची तमे पळे जाऊ एठु आउ आमो मालिक आसले गाली देबे कहले तो बापर पुलो ना कहले आमे सकाळ बुझबु देखलो किछु बुझु ना आज पर्यंत केस दियाजी मो स्वामी पुरे 307 दफा लगे जे तांकु पुरे किछु नै अरेस्ट कोनांदी आउरी आसी एठी थाना चा बिस्कुट खाई दूसरी मुझे चाहूँगी मो स्वामी की न्याय मिलू आउ से आरेस्ट मिलू आज का डेट जब आरेस्ट न मिल सी घर घर पशिक हाणी ये रंग रक्ताक्त करेंगे सिक्यूरीटी गार्ड गोटे उद्देश्यमूलक भाव राजनैतिक उद्देश्य रखिक हाणी दुई गोड़ को हाणी तार एक्सरे रिपोर्ट भी आम आपचु ये फटोर मत देखि आज पर्यंत जी हाणी से लोक को आरेस्ट कर बरम तांकु आउरी घंट गुड़ा तांकु आउरी सहयोग करा थाना तरफ तांकु फोन मारी कौटी अच्छा आंख सहित कथा होती एपर्तंत आरेस्ट कर बरम जी हणा खाई ता विरुद्ध 307 संगीन दफा लग जाए कौन बीजेडी बीजेडी शासक द्वारा ये परिचालित हो थाना बाध्य अन्य जनसाधारण ये न्याय पाईपार ना बर आज आसी आखिर लुह गोड़े कि झुरी झुरीका पलि जाऊँच जनसाधारण किंतु ये मैंने बीजेडी गुंडा को पुलिस सहयोग कर सब प्रकार साय कर दुर्गम ओडिशार एक एभली गाँ जो पड़े विकास पदचिह गाँ को जवाक पार करने को पड़े भरा नदी नदी एभली स्रोत जी आपण को भी जीवाक भय लगे किंतु ग्राउंड आम प्रतिनिधि पहुंची गाँवर पूरा स्थिति परखिंट सिमिलपाल पाद देश में या गाँव में किभली स्थिति रही देखा रिपोर्ट प्रकृतिर कोलरे गाँ किंतु पादे पादे विपद प्रतिदिन पाचिरे लगे जीवन घर बाहर विपद जीवन जीविका पाई पार हे पड़े खैरा नदी आपण न देखिले विश्वास करें गाँ को जीवाक पार करने को पड़े एभली भरा नदी देखु यह दृश्य को किभली विपद संकुल अवस्था भरा नदी पार होती ग्रामवासी ए दृश्य हो मयूरभंज जिला जशीपुर ब्लक अंतर्गत
ଧଳାବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଟମକଶିଳା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭରା ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଇଥିଲା ଆଗଥର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହିଲେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏମିତି ନଦୀ ବୋହି ନଦୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆମେ ପାହାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲେ ହେଲେ ବି ନା ଦୋକାନ ଗଲେ ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ରେସନ କିଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ନଦୀ ପାହାରୁଛୁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ନଦୀ ପାହାରିକରି ଆମେ ପାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବୁ ହେଲେ ବି ଚାଉଳ ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ନଦୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକରି ପାହାରୁ। ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯିବୁ ଏମିତି ଫଟୋରେ ବୋହିକରି ଆମେ ପାହାରୁ। ଆମେ ଯାହା ଡେଲିଭରି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଫଟୋରେ ବୋହିକରି ପାହାରୁ। ଏମିତି ନଦୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଆବାସ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ନଦୀ ପାଣିକୁ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ରହିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନା, କରିନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଲଟା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଡେହେର ତ କରାହେଇଛି, ହେଲା ବି 10-15ରୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, 20-25 ଥର ହେଇଥିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ଗାଁକୁ? ନାଇଁ ଆସନ୍ତିନି କେବେ? ନାଇଁ। ଏଇ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି SESO ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଶୀପୁର BDO ତହସିଲ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଭଳିଆ PDS ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ସେପଟକୁ ଯିବ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ତାଙ୍କର କିରୋସିନି, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏବଂ କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିହେବ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ DFO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ, ନା ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୂର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ନଦୀ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାଇମ୍, କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।